हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक फोन पे नंबर से दूसरे के फोन पे नंबर पर मनी किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है, पैसे किस तरह से भेजा जाता है। ये सारे प्रोसेस में मोबाइल की स्क्रीन में जाकर के आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्क्रीन बिल्कुल हिम्मत करना, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन में जाकर के आपको सिखाते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल साउथ के टैग में नहीं हो तो नीचे एक लाल बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी को दबा करके ऑल पे सिलेक्ट कर देना, ताकि इसी रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब मैं आ गया हूँ मोबाइल के स्क्रीन में। एक फ़ोन पे नंबर से दूसरे के फ़ोन पे नंबर पर मनी किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है, पैसे किस तरह से भेजा जाता है। दूसरे के फ़ोन पे नंबर पर पैसा भेजने के लिए सबसे पहले अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन ओपन करना होता है। जैसे ही फ़ोन पे एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, जिसमें लिखा वायर ट्रांसफ़र मनी। जस्ट उसी के नीचे चार ऑप्शन है जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा, जिसमें लिखा हुआ है टू मोबाइल नंबर, टू बैंक यूपीआई आईडी, टू सेल्फ अकाउंट, चेक बैंक बैलेंस। अब जिसके फ़ोन पे नंबर पर आप पैसा भेजना चाहते हैं, मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, उससे एक बार कंफर्म हो लीजिएगा, उसको फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि वो बंदा किस नंबर पे फ़ोन पे अकाउंट ओपन किए हैं, किस नंबर से वो फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। जब आप कंफर्म हो लीजिएगा तो उस बंदे को पैसा भेजने के लिए यहाँ एक ऑप्शन है जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, जिसके नीचे लिखा हुआ है टू मोबाइल नंबर। उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है इंटर ए मोबाइल नंबर। उस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का कीबोर्ड खुल के आ जाएगा। अब उस वाले बंदे का नंबर यहाँ पे डायल करना है। नंबर का कीबोर्ड लाने के लिए यह एक ऑप्शन से बाएं साइड जो मैं आपको तीर के निशान के ज़रिए से दिखा रहा हूँ, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नंबर का कीबोर्ड खुल के आ जाएगा। अब जिस फ़ोन पे नंबर पर पैसा भेजना है यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर किसी एक बंदे को एक रुपया भेज करके दिखा रहा हूँ, मैं नंबर डाल दिया, उसके बाद उसका यहाँ फ़ोन पे नंबर चलता है कि नहीं चलता है। अगर मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूँ, कंफर्म करवा दूँ, अगर इस नंबर पे उस बंदे के नंबर पे फ़ोन पे अकाउंट ओपन किया है, अगर इस नंबर से वो फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज़ करता है, तो ये जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ फ़ोन पे का लोगो जो है, तो उस नंबर के सामने आ जाएगा। अगर इस नंबर से उसने फ़ोन पे अकाउंट ओपन नहीं किया है, नहीं चलाता है, ये जो फ़ोन पे का लोगो है नहीं दिखाएगा। आप समझ जाइएगा कि इस नंबर से फ़ोन पे अकाउंट नहीं ओपन किए हैं और ना ही फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। उसको पैसा भेजने के लिए नंबर वाले ऑप्शन के सामने आप नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। नीचे की तरफ एक ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है इंटर अमाउंट और से समथिंग, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कीबोर्ड खुल के आ जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट उसको भेजना चाहते हैं तो आपको एक सजेशन दूंगा कि आप पहले उनसे मैसेज करके पूछ लीजिए कि मैंने आपको फ़ोन पे में मैसेज किया, क्या आपके पास मैसेज गया कि नहीं गया है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैं उसको हाई लिख देता हूं, जस्ट उसी के सामने एक तीर का निशान आ जाता है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो उसके पास मैसेज पहुंच जाएगा। उसी तरह आप भी उसको मैसेज कीजिएगा और उससे फ़ोन करके कंफर्म हो लीजिएगा। अब पैसा भेजने के लिए सबसे पहले आपको बाएं साइड एक नंबर का कीबोर्ड है जो मैं आपको तीर के निशान के ज़रिए से दिखा रहा हूँ, उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने नंबर का कीबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप जितना भी अमाउंट भेजना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ पे डायल कर देना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर उनको एक रुपया भेज के दिखा रहा हूँ। जैसे एक रुपया क्लिक कीजिएगा, जस्ट उसी के सामने एक ऑप्शन आ जाएगा पे का, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो आपने फ़ोन पे एप्लीकेशन में यूपीआई पिन जनरेट किए हैं, बनाए हैं, शायद आपको वीडियो में यहाँ पर अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन मैं वीडियो के
मोबाइल के साइड में एक स्क्रीनशॉट करके दिखा रहा हूँ। यूपीआई पिन यहाँ पे आपको डालना है। जैसे मैं अपना यूपीआई पिन यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद स्क्रीनशॉट में आप देखिए जो मैं आपको तीर के निशान के ज़रिए से दिखा रहा हूँ, एक सही का आइकन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने थोड़ा प्रोसेस होगा। उसके बाद उस बंदे के पास पैसा भेज चला जाएगा, उस बंदे के पास मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ एक और बात बता दें, यहाँ आप देख सकते हैं पेमेंट टू ऑफ 1-2 MD मैनुअल सक्सेसफुली। अब यहाँ पे दो ऑप्शन से व्यू डिटेल्स चेक बैलेंस, यहाँ से जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ यहीं से आप अपना फ़ोन पे एप्लीकेशन में जिस भी बैंक अकाउंट को ऐड करके रखे हैं उसका बैलेंस चेक कर सकते हैं कि मेरा पहला कितना था और उसको भेजने के बाद अब कितना बचा है। यहाँ दूसरा ऑप्शन से जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ व्यू डिटेल्स, यानी एक रुपया जो मैं भेजा हूँ उसका डिटेल्स क्या है। उसका डिटेल्स देखने के लिए व्यू डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैं आपको रेड कलर से दिखा रहा हूँ ट्रांजैक्शन आईडी, ये है किसको भेजा गया, पेड किसको किया गया, एमडी मैनुअल को किस चीज़ के ज़रिए से भेजा गया, यानी आपके फ़ोन पे अकाउंट में कौन सा बैंक ऐड है, वो बैंक अकाउंट क्या है। जैसे मैं पेटीएम से भेजा हूँ तो डेबिट फ्रॉम पेटीएम इसके ज़रिए भेजा गया। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और इस तरह से आप दूसरे के फ़ोन पे नंबर पर मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इस वीडियो को अगर एक तरफ से देखे हैं तो कोई शक नहीं कि आप नहीं भेज सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने जैसे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना व्हाट्सएप मैसेंजर फेसबुक के ज़रिए से। और इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न या सजेशन हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।